सुन्नी सूफी खानकाही विचारधारा के बड़े धर्मगुरु आला हजरत इमाम अहमद रजा खां की बारगाह में खिराज पेश करने देश विदेश से लाखों जायरीन और उलमा बरेली पहुंच चुके हैं। इसको लेकर इस्लामिया मैदान में सुबह 8 बजे दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुभान रजा खां और सज्जा दानशीन मुफ्ती हसन रजा कादरी की सदारत में आज अंतर्राष्ट्रीय आपसी सौहार्द को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के बड़े उलेमाओं ने शिरकत की। इस दौरान सैयद आसिफ मियां और उर्स प्रभारी अली खां की निगरानी में सभी कार्यक्रम हुए। इसको लेकर मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का आगाज कारी रिजवान रजा ने तिलावते कुरान से किया और संचालन मुफ्ती शोएब रजा मंजरी और कारी यूसुफ रजा संभली ने की। इस दौरान मुफ्ती आसिफ मंजरी ने उलेमाओं और मस्जिदों के इमामों से अपील करते हुए कहा कि वह जुमे की नमाज के खुतबे में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने, नफरत मिटाने और शरई दायरे में रहकर आपसी भाईचारे मजबूत करने पर जोर दें। अपनी तकरीरों में इस विषय को ज़रूर शामिल करें। वहीं मदरसा मंजर इस्लाम के वरिष्ठ मुफ्ती सलीम नूरी ने इस्लाम शांति और मानवता को लेकर कहा कि मजहब इस्लाम अमन व शांति का मजहब है। यही वजह है कि मुसलमान शरीयत पर अमल करने के साथ साथ अपने मुल्क के संविधान पर भी चलता है। आगे उन्होंने कहा कि नौजवानों को नशाखोरी और बुराई से दूर रहने की तालीम पर जोर दिया जाए। वहीं मुफ्ती स्वालेह रजवी ने कहा कि नौजवान भड़काऊ आपत्तिजनक सामग्री, भावनाओं को आहत करने वाली गैरकानूनी सामग्री को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचें। कुछ लोग सियासी लाभ के लिए देशवासियों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। मुफ्ती अहमद रजा ने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है जो पैगंबर इस्लाम समेत दूसरे मजहबों के रहनुमाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस का संचालन करते हुए कारी यूसुफ रजा संभली ने सामाजिक बुराइयों, महिलाओं के साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती, बढ़ते दुष्कर्म की घटनाएं, आपसी झगड़े, सूद के कारोबार, शराब दुष्कर्म, नशाखोरी, शादियों में फिजूल खर्ची जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। दोपहर 12 बजे तक चली कॉन्फ्रेंस में ओडिशा से आए मौलाना आसिफ रजा, पटना से आए अलमा हसन रजा, मॉरिशस से आए मुफ्ती यासी मंजरी, नेपाल से आए मौलाना फूल मोहम्मद नेमत बरकाती और मौलाना फरकान फैजी समेत तमाम लोग शामिल हुए।